घंटे के अंदर उस कैदी को पकड़ लिया। और हम आपको बता दें कि आज एसपी ऑफिस में शहर भर के समाज सेवी पत्रकार यहाँ पर सम्मान करने के लिए जब एसपी साहब से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं क्राइम ब्रांच की उस टीम का सम्मान कीजिए जिसने कि उस बच्ची के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा है। तो मैं आज ये टीम जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये वो टीम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम हमेशा पुलिस की बुराई करते हैं उसकी कमियां निकालते हैं लेकिन जब पुलिस कोई अच्छा कार्य करती है तो शायद हम उसको कम आंकते हैं। मेरा ये आपसे कहना है कि आज जब ये शहर भर के समाज सेवी और पत्रकार लोग यहाँ पर आए हैं और इनको सम्मानित करने के लिए जब एसपी साहब ने खुद बुलाए तो पहले हम इनसे बात करते हैं कि उस अपराध को इन्होंने किस तरीके से लिया। सर हम ये जानना चाह रहे हैं 24 घंटे के अंदर आपने कार्रवाई की और बुजुर्ग को पकड़ लिया कैसे संभव है? होने के बाद 6 बजे एसपी साहब का पॉइंट मिला था पूरी क्राइम बार को कॉन्स्टेबल ने आपने मिल गया हमारे एडिशनल सीएसपी अब सारे को सारे को मौके पे गए व्यक्ति की डेड बॉडी थी वहीं से अपने अपने जांच में लग गए। एक डॉक्टर दीपक यादव यहाँ से पूरे शहर में कितनी चीज होते और शाम तक उनको डिटेक्ट हो गया था और जैसे एफ एस एफ ने सर जिस तरीके से वो घटना घटी थी एक बच्ची थी और उसके साथ में और सारी संवेदनाएं शहर के लोगों की बैठी थी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मतलब ऐसे शब्दों में नहीं है जिनका हमने से बयान किया है। आप लोगों को जब कोई इस तरह की घटना आती है क्राइम होता है बड़े बड़े घंटे बदमाशों को पकड़ते हैं वो एक अलग मैटर होता है जब इस तरह के किसी व्यक्ति को पकड़ते हो तो उसका जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है आपको लगता है कि वो किसी पर कोई मुजरिम तो नहीं था क्योंकि जिस तरीके से उसने घटना की वो उनसे भी कहीं ज़्यादा हिम्मत है। हम भी एक इंसान हैं बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़ते हैं काउंटर्स भी लोगों ने नहीं किए उसमें इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता हमें नहीं रहती। इस बच्ची को के मामले को देखिए ऐसा नहीं संवेदनशीलता हमारी पूरी क्राइम ब्रांच का रही हम लोगों के रोंगटे खड़े हुए हम लोग सोए नहीं रात और हमने ये सोच लिया था इसको यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं होता कि तो ऊपर तक पहुँचा सकते हैं मेहमानी कहने से जितना हम एविडेंस देंगे उससे रिजर्वेशन करेंगे सभी से अच्छे अच्छे फांसी बात फांसी मस्जिद में पहुँचाए लेकिन ये देखा गया कि जब वो कोर्ट में गया तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी भी की गई कि वकील उसके साथ कुछ गलत घटना करती ऐसे लोगों के साथ में हम लोग इतनी ज़्यादा नमी क्यों करते हैं? ये सर बहुत सारे आपको संस्थाएँ हुई उसका भी उनको